अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। फरदोस आशिकवान ने राना सनाउल्ला को बड़ा झटका दे दिया। बशीर इतलास फरदोस आशिकवान ने मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्ला के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान किया है। बशीर इतलास फरदोस आशिकवान ने अपने बयान में कहा था कि कौम जानती है सारे चोर शोर मचा रहे हैं, अभी और मचाएँगे। उन्होंने कहा कि अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हैं, जो कौम की उम्मीद है। चीहें उनकी निकल रही हैं जो मुल्क को IMF तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। चीहें उनकी निकल रही हैं जो लुटेरे हैं, उनका माल उन्हें रुला रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए फरदोस आशिकवान ने कहा कि बिलावल साहब आपकी परफॉर्मेंस की कीमत सिंध के बच्चे अपनी जानों से अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शोर की बजाय बिलावल को सिंध के मुतासर बच्चों और उनके वालदैन के साथ होना चाहिए। मशीर इतलात के बयान पर रद्दमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला ने कहा कि फरदोस बाजी चीखें उन बसों की ब्रेकों की निकल रही है जो वह वजारत से जाते हुए साथ ले गई थी। फरदोस बाजी आपकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक चीखें तो आवाम की निकल रही हैं। राना सनाउल्ला ने मजीद कहा कि फरदोस बाजी चीखें आपकी निकल रही हैं क्योंकि अभी तो नौकरी शुरू हुई है और जल्द ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि फरदोस बाजी चौथा हफ्ता गुजर है, सरकारी बसों और दवाइयों में मसनूई इजाफे का जवाब नहीं आया। फरदोस बाजी चीहें आपकी निकल रही हैं क्योंकि आपके नए बास नाहल और नलायक हैं। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।